हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आप सबके लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स पर। फ्रेंड्स, आज से हम हमारे चैनल पर एक नया सेक्शन जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आज की डेट होगी, जैसे आज के जो डेट है वो 11 दिसंबर है, तो 11 दिसंबर को जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं उस दिन हुई है उसकी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे। साथ में उस दिन क्या स्पेशल है, उस दिन जो जिन भी बच्चों का जन्म होता है, जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है, तो उनका जोडियक साइन क्या होता है और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उस दिन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए, लेट्स स्टार्ट लर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो आज का इतिहास यानी कि हम बात कर रहे हैं 11 दिसंबर में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। आज का इतिहास 11 दिसंबर यानी कि दिसंबर 11 को भारत व विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 11 दिसंबर के इतिहास से संबंधित होंगी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 11 दिसंबर को क्या क्या खास घटनाएं हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमारा आज का पहला पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 1687 यानी कि 1687 में मद्रास नाम की जगह पर अपना नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी कि एंग्लो जो सिख युद्ध है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1845 में शुरू हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस ने 1858 में कोलकाता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने थे। ये कोलकाता विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स इंडिया का जो बहुत मशहूर विश्वविद्यालय जो कोलकाता में स्थित है, तो यहाँ से स्नातक यानी ग्रेजुएट बने थे। पहले सबसे पहले ग्रेजुएट कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व यदुनाथ बोस। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप देश इटली 1937 में मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आ गया था। यूरोप जो है वो यूरोप देश जो है यूरोपीय देश इटली जो है 1937 में जो मित्रीय राष्ट्र संघ है उन्होंने बनाया था यूरोप में, तो उससे क्विट कर गया था। उससे नेक्स्ट पॉइंट आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि जर्मनी और इटली ने 1941 में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था, आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। जर्मनी और इटली ने 1941 में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, 1941 साल था। उसके बाद अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 में इसी दिन यानी कि 11 दिसंबर को भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष थे, इनसे पहले भी एक स्थायी अध्यक्ष थे लेकिन वो उनके गुजर जाने के बाद इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ जो होता है ये आपका फंड्स जुटाता है रिसर्च वगैरह के लिए, तो इसकी स्थापना हुई 1964 में 11 दिसंबर के दिन स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका है जनरल एच एम इरशाद ने 1983 में 11 दिसंबर 1983 में खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया। ठीक है, तो ये था आपके पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए सर, अगला पॉइंट है रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने 1994 में चेचन विद्रोह पर हमला किया, विद्रोहियों पर हमला किया और उनके इलाकों में सेना भेज दी थी। उसके बाद ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए 1947 में विश्व के सभी देश सहमत हुए, जेनेवा ट्रीटी भी हुई थी, इसके बारे में आप अभी जानते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है चीन को 2001 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश मिला था, उसे इसमें यहाँ पर उन्होंने नाम लिखा था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC। उसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यानी कि नरेंद्र सिंह मोदी जी ने की थी 2014 में संयुक्त राष्ट्र में रखकर, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर को ही दी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम बात करेंगे कि 11 दिसंबर को कौन कौन से फेमस व्यक्तियों का जन्म हुआ, इनके बर्थ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है पॉइंट की हिंदी फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जो है उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो है उनका जन्म भी 1935 में 11 दिसंबर को ही हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट आपका खेल से जुड़ा है, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी लेसी सैमुअल्स जो है उनका जन्म 1967 में 11 दिसंबर को ही हुआ था, और बहुत ही विश्व विख्यात भारत के खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म भी 11 दिसंबर 1969 को ही हुआ था स्टूडेंट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फेमस व्यक्ति हैं जिनका निधन यानी कि डेथ जो एनिवर्सरी है वो 11 दिसंबर को
आती है। सबसे पहला है प्रसिद्ध कवि व संगीतकार कवि प्रदीप का निधन 11 जून 1998 में हुआ। उसके बाद कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका व अभिनेत्री एम एस सुब्बलक्ष्मी का निधन 2004 11 दिसंबर में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार या सितार वादक रविशंकर का निधन भी 2012 यानी 11 दिसंबर 2012 को हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अवसर या उत्सव यानी कि जो डेज हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं इस दिन। तो सबसे पहला आपका अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो होता है, यानी कि जो आपका हाथों से बनाया हुआ आर्ट कल्चर है, क्राफ्ट होता है, उसका सप्ताह मनाया जाता है 11 से 14 दिसंबर तक। उसके बाद हवाई सुरक्षा दिवस यानी कि जो आपका एयर सिक्योरिटी सेफ्टी डे है वो भी मनाया जाता है इस सप्ताह में। उसके बाद यूनिसेफ का निर्माण या जो फॉर्मेशन हुआ था वो भी 11 दिसंबर को ही हुआ था। तो विश्व बाल दिवस, बाल कोष दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। उसके बाद अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि इस दिन जो भी जन्मे हुए व्यक्ति हैं उनका जो जोडियक साइन यानी कि राशि जो होता है वो सार्गेट्रस होती है। तो उसमें इस दिन एक डे और मनाया जाता है अमेरिका में। अगर आप बात करें तो अमेरिका में वर्ल्ड माउंटेन डे जो है वो 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स दोस्तों ये था हमारा 11 दिसंबर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमने बात की हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों ये जो बेल या घंटी का बटन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। उसके साथ ही वीडियो का लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं वो हमारे साथ सजेशन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे आपके लिए लाभप्रद यानी कि आपके बेनिफिशियल वीडियोज बनाते रहें। तो जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए और इस स्थिति के अंदर इन दिनों के अंदर आप अपने परिवार के साथ जुड़े हुए रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स।